आज का सबसे बेहद आवश्यक संदेश। तुम्हारी सबसे बड़ी मांग स्वीकार हो गई है। वह समय निकट है जब तुम्हें अपनी सभी प्रार्थना का फल मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार रहे। मैं जानता हूँ, कठिन समय में तुम्हारा धैर्य बनाए रखना एक कठिन कार्य है, किंतु तुमने यह कर दिखाया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रिय, मेरी एक बात को हृदय से आत्मसात करो तो तुम सभी अपने जीवन में बदलाव अनुभव कर पाओगे। यदि भविष्य में बदलाव चाहते हो तो अब तक जो कहते आ रहे हो उसमें बदलाव करना होगा। अंक 1111 लिखे और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यदि हम वही करते रहेंगे जो वर्षों से कर रहे हैं तो परिणाम कैसे भिन्न हो सकता है। प्रतिदिन किया गया एक छोटा सा प्रयास एक माह में 30 बड़े प्रयास बन जाएंगे। और अपने लक्ष्य की ओर रखा गया हर एक दिन एक छोटा सा कदम वर्ष में 365 कदम बन जाएंगे, जो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। यदि आप परमात्मा की भक्ति निष्ठा से करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। अपने भय मुझे समर्पित कर दो और साहस स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे सहायता की आवश्यकता होगी। दुनिया की इस भीड़ में तुम वह बन सकते हो जो किसी दूसरों को रोने के लिए अपना कंधा प्रदान कर सके। तुम वह हो सकते हो जो आगे बढ़कर सहायता का प्रतीक बने। ठीक उसी समय जब किसी को मानवता की जरूरत हो, तब तुम्हारा चेहरा उसे याद आए, तो समझ लेना तुम ईश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हो। परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद से जुड़ने के लिए अंक 111 लिखे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, सभी प्रतिदिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ खड़े हो जाते हैं कि एक साहसी व्यक्ति भी अपने जीवन को अस्त होता समझ लेता है। जीवन युद्ध का बड़ा योद्धा स्वयं को एक हारा हुआ समझकर इतना व्यथित हो जाता है कि उसे अपना जीवन ही बोझ लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सभी उसके विरोधी में है। वास्तव में वह स्वयं को दूसरों के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहा होता है और यह भूल जाता है कि वह स्वयं क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। तुमने कई बार अपने जीवन में इस घटना को
महसूस किया होगा। जब एक ही पल में सभी तुम्हारे विरोधी बन गए हो और तुम स्वयं को दूसरों के मूल्यांकन का सार समझने लगते हो। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है और वह उन शब्दों को देखता है जो उसके लिए विरोधी में खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जो सभी कह रहे हैं वह सत्य है। ऐसे में वह अपनी शक्ति को भूल जाता है। इसीलिए तुम्हें हर दिन यह याद करना है कि तुम असीमित संभावनाओं से बने हुए प्रकाश पुंज हो। 444 लिखे, यदि आप मानते हैं कुछ बहुत ही अच्छा बड़ा होने को है। मेरे प्रिय, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता है। किसके लिए हर दिन यह तुम्हें कहना होगा, मैं स्वतंत्र हूँ, प्रसन्नता मेरा मूल स्वभाव है, मैं अनंत संभावनाओं के घेर में हूँ। अंक 888 लिखे। परमात्मा कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें वह बनते हुए देखना चाहता हूँ जो मैंने सोचा है तुम्हारी सोच से, जो बहुत ही बड़ा है। इसीलिए तुम जीवन में मिलने वाली छोटी हर या दुखी से भयभीत क्यों होते हो। हरे कृष्णा हरे रामा लिखे, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर से आनंद और प्रसन्नता को बढ़ाता है। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी तैयारी है जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल कराने के लिए। जैसे युद्ध में उतरने से पहले एक योद्धा जितनी बार घायल होता है वह उतनी ही मजबूती और परिपक्व हो जाता है, ताकि युद्ध के दौरान उसे एक भी घाव स्पर्श ना कर सके। इसी प्रकार जीवन युद्ध में मिलने वाली छोटी हार, उपहास, आलोचना, तिरस्कार और यहाँ तक कि शारीरिक और मानसिक कष्ट तुम्हें जीवन के उस महान योद्धा में लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे जिसमें केवल और केवल चुने हुए वीर योद्धा ही उतरते हैं। क्या तुम स्वयं को निर्बल हारा हुआ समझते हो? क्या तुम्हें मेरे चुनाव पर संदेह होता है? क्या मैंने तुम्हें चुनकर कोई भूल कर दी है? यदि नहीं तो मैं तुम्हारी क्षमता और वीरता दोनों से परिचित हूँ, जिससे तुम अभी परिचित नहीं हो। भाग्यशाली अंक 555 लिखे और कहे, मैं एक वीर योद्धा हूँ। पिता परिवार में जिम्मेदारी और बड़े कार्य उसी पुत्र को देता है जो उसे उठाने के लिए योग्य हो जाता है। यद्यपि वह सभी एक समान प्रेम करता है, किंतु बड़े कार्य करने वाले पुत्र पर ही वो गर्व करता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी वही संतान हो जो बड़े कार्य को कर सकते हो। अंक 00 लिखे और कहे, परमात्मा की दिव्य योजना को संपूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि तुम
प्रारंभिक मार्ग में आलोचना से भयभीत हो गए तो उस मकान पर कैसे पहुंचोगे जहां देखने के लिए सबको अपना सर ऊंचा करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, यह सहज एक अस्थाई वस्त्र है जिसे तुमने धारण किया है। यह दुनिया अस्थाई नहीं है, कितनी ही बात इस सृष्टि का सृजन और लय हो चुका है। कितनी ही बार तुमने शरीर धारण और त्याग किए हैं। जो टूटा और अस्थाई है वह मेरा दूसरा संबंध है। परमात्मा का सच्चे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आरती पाठक चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अर्थात प्रकाश बिंदु का संबंध अनंत प्रकाश से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार अनंत प्रकाश अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, वैसे ही उसका हर एक प्रकाश बिंदु अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। क्या तुम्हें अपनी शक्तियों पर संदेह होता है? तुम्हारी हार को जीत में परिवर्तित करने का समय अब आ चुका है। तुम हर परिस्थिति में मेरे पास आ सकते हो। आज के इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ, तुम्हारा सूर्य उदय होने जा रहा है। बहुत शुभ दिन है आज, जो कल सूर्य उदय के साथ एक नए अवसर तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा लिखे मन को भीतर से शांति और तेज प्रदान करने के लिए अंक 666 लिखे और कहे, परमात्मा का दिव्य सुरक्षा कवच मेरे और मेरे परिवार घर पर बना हुआ है। संतान को पिता के घर आने के लिए यह सहायता मांगने के लिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस विश्वास की आवश्यकता होती है कि उसे सहायता अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय, स्वयं को तैयार कर लो, खुशियां तुम्हारे पास आ रही है क्योंकि तुम समर्पण का अर्थ स्वीकार कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे कह सकते हो तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम कितने दर्द में हो, अपने जीवन का हर विवरण मुझसे साझा कर सकते हो। मैंने तुम्हें संसार की ज्योत बनाकर भेजा है, जो दुखी और उदास है तुम उनके लिए खुशियाँ और मार्गदर्शन लेकर आ सको। मैंने तुम्हें विशेष गुणों से भरकर भेजा है, तुम अपनी शक्तियों से अनजान हो, परंतु तुम वह हो जो लेना नहीं देना जानता है, क्योंकि देने वाला सर्वदा बड़ा होता है। मैं चाहता हूँ तुम सदैव आनंद में मुस्कुराते रहो। तुम्हारी सभी इच्छाएं मेरे आशीर्वाद और मेरे कर्म से पूरे हो। तुम्हें एक वर्ष में वह सब प्राप्त होने जा रहा है जिसके लिए तुमने चिंता में स्वयं को डाला था। तुम यहाँ दुखी रहने के लिए नहीं, बल्कि खुशियाँ और खुशियाँ बिखेरने, खुशियाँ बांटने के लिए आए हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो।
मैं परम शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अगले अध्ययन में बहुत बड़ी आर्थिक सफलता मिल सकती है यदि तुम उस क्षेत्र में कार्य करो जिसके लिए तुम्हें बार बार प्रेरणा दी जा रही है। तुम्हारे जीवन के सारे आर्थिक संकट समाप्त होंगे और तुम बहुत अधिक चमकने वाले हो, दुनिया तुम्हें देखेगी। उन दिव्य अवसरों के लिए स्वयं को तैयार कर लो। जल्द ही तुम कुछ ऐसा देखने जा रहे हो जिसकी कल्पना तुमने अपने ख्वाबों में की थी। अपने आप से केवल इतना ही कहना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।